नमस्कार, आप सितयोग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के बिहार विधानसभा सभापति सह रफीगंज विधानसभा विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन रफीगंज शहर के इमादपुर स्थित एक निजी भवन में बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्यों के साथ बैठक किया। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा किया। विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। राजद अपनी सदस्यों को ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत प्रत्येक बूथों पर 25 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद की सभी सीट महागठबंधन के खाते में गई थी। इस बार भी 2025 की विधानसभा चुनाव में सभी सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 20,000 सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। 27 माह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सरकार में बिहार में तेजी से पुल, पुलिया और सड़क बनी थी। औरंगाबाद विधानसभा में करीब 3 साल से विकास के लिए कोई भी फंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नहीं भेजी गई है। बिहार में हत्या, लूट, डकैती की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। अपराधी काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंकुश लगाने में विफल है। इस दौरान औरंगाबाद के राजद के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। लोग हैं, पैसा नहीं दिया जाए, यही वजह है कि 3 साल में पूरे जिला को एक पैसा भी नहीं दिया गया। पूरे जिला को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कोई रोड नहीं बना है। अभी मैंने जो सत्य चंद्रदाता सवाल उठाया तो ये जवाब दिया गया सरकार के तरफ से कि हमने बैठक किया जा रहा है। सर, आज हम लोग सदस्यता अभियान और बूथ कमेटी बनाने को लेकर समीक्षा बैठक रखे थे। इस बैठक में हमारे पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, माननीय विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी लोग भी इसमें शामिल हुए और हम लोग प्रत्येक बूथ पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्येक बूथ पर 30 कार्यकर्ता एक्टिव बनेंगे और एक बूथ अध्यक्ष बनेंगे। उसकी तैयारी हेतु हम लोग आज बैठक किए थे। चूँकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान है और आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी का निर्देश पे आज हम लोग जो है कि गांव-गांव में राष्ट्रीय जनता दल को जितना से जितना अधिक लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ सके उसकी तैयारी हेतु आज हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। यह सदस्यता अभियान कब से चलेगी और कितने लक्ष्य रखा गया है जिला में? सदस्यता अभियान हम लोग का लगातार चलते रहेगी 2-3 महीने तक और हम लोग कम से कम प्रत्येक बूथ पे 60-70 लोगों को हम लोग टारगेट रखे हैं। पूरे जिले में कितने बनेंगे? पूरे जिले में हम लोग टारगेट रखे हैं कि प्रत्येक बूथ पे 2 क्रियाशील सदस्य कटेंगे। उसमें आपको एक क्रियाशील रसीद जब बनते हैं तो एक बूथ में 25 लोगों का होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है कि प्रत्येक बूथ पे हम लोग जो है कि 2 क्रियाशील सदस्य बनाएंगे और हम लोग समाज के जो अंतिम पैगदान है में जो लोग बैठे हैं उनसे उन लोग को जोड़ने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। औरंगाबाद जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है राजद की? देखिए, औरंगाबाद में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का पिछले चुनाव में भी सभी सीटों पे यहाँ के महान जनता ने हम लोग का सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीते थे और इस बार पुनः 2025 में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में फिर पुनः हम लोग चुनाव जीतेंगे और 25 में आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राजद।